बहुत पुरानी तर्ज है, पंडितों की देसी तर्ज है, छोटी छोटी बातें बहुत कम गाई जाती हैं, क्योंकि चक ने अपनी बहन सुदेशना से ये कहा कि बेबे इसने तो मेरे महल में भेज दे, और ना तो फिर वो राजा बनिया बैठा उसकी भी नाइट न तोड़ूंगा और तब मैं भी मारूंगा। वो घबरा जाती है सुदेशना और उस द्रौपदी को अपने पास में बुलाती है, पेट दर्द का बहाना करती है और ये कहती है कि जा मेरे भाई किचक के महल में जा और वहां से मदरा ला, जब मेरा दर्द ठीक होगा ना तो मरूंगी। हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है कि महारानी और चाहे कुछ भी करवा ले मत भेज गिर का उसके दौरे मत ना भेज। आप सुदेशना ये कहती है जयो काम नहीं करेगी तो इस महल से बाहर हो जा। हम मन में विचार करती है थोड़े दिन बाकी रह रहे हैं, जय उन कोरुआ ने बेरा लाग गया तेरा के 26 साल फेर में दे जाएंगी। हाथ में बोतल लेके किचक के द्वार पर पहुंच जाती है, जाकर दरवाजा खटखटा, किचक तो तैयार खड़ा था, तैयार हो रहा था ना किचक तो, के द्रौपदी आओगी। क्या कहता है द्रौपदी से, क्या सैन्य में पीढ़ी कर दूंगा क्या लक्ष्मी चंद उमर का लक्ष्मी
दादा की कविता ही में खास बात थी, संगारस भी तो सा रखा है लेकिन आखिर में परमात्मा का भी नाम ले रखा है के भवानी का।